गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8, हिस्ट्री, द फर्स्ट एम्पायर अशोक. वी हैव ऑलरेडी लर्न डैट 6th century BCE saw द emergence ऑफ महाजनपद इन इंडिया. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 6th century BCE में महाजनपद जो थे इंडिया में आए थे, उनका इंडिया में उदय हुआ था. समय के साथ मगध ने न केवल अन्य महाजनपद पर कंट्रोल किया बट ऑल्सो ड्रू ट्रिब्यूट्स फ्रॉम रिमोट रीजन्स. इस प्रकार मगध एक पावरफुल एम्पायर बन गया. उस समय 2 टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम, रिपब्लिक एंड मोनार्किकल था, जो इस पीरियड में एग्जिस्टेड हुआ. टाइम के साथ रिपब्लिकन सिस्टम आउटडेटेड होता गया और मोनार्किकल सिस्टम ने पॉपुलरिटी गेन कर ली. बिकॉज मोनार्किकल सिस्टम में किंग के प्रति जो लॉयल्टी थी उसको निर्देशित किया गया था. इसके अलावा जो रूलर्स थे वो रॉयल लीनेज मीन्स शाही वंश से थे. इस कारण एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी बेटर ग्रिप थी. मौर्य डायनेस्टी जो नंदास के फॉल के बाद पावर में आई थी, उन्होंने गवर्नमेंट की मोनार्किकल फॉर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो किया. जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक रूलर्स बनते गए तो उस फैमिली को डायनेस्टी कहा जाता था. 3 इम्पॉर्टेंट रूलर के बाद मौर्यन डायनेस्टी थी जो एक दूसरे के उत्तरदायी थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आए, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक. अशोक डेडिकेटेड हिज लाइफ टू बुद्धिस्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेजन. अलेक्जेंडर ने किस तरीके से आक्रमण किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अलेक्जेंडर जो था वर्ल्ड का एक ग्रेटेस्ट कॉन्कर्ड था, ठीक है, जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर 4th century BCE में अटैक किया था. उन्होंने मैसेडोनिया से मार्च किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ऑल कंट्रीज़ को जीत लिया. उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल किंग पोरस के साथ किया, जिसका किंगडम रिवर झेलम एंड चेनाब के बीच में था. उन्हें डिफीट करके वह पोरस के किंगडम में लौट आए. लेकिन अलेक्जेंडर व्यास रिवर से आगे नहीं बढ़ पाए. वो किस लिए आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि उनके सोल्जर जो थे वो वार से थक चुके थे. इसके अलावा वे पावरफुल मगध आर्मी का सामना करने से डरते थे. इस कारण अलेक्जेंडर ने वापस जाने का फैसला किया और जो उन्होंने टेरिटरीज जीती थी उनकी लुक आफ्टर के लिए गवर्नर को अपॉइंट कर दिया. नाउ वी डिस्कस अबाउट मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन एम्पायर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. मौर्य डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य. इसके बाद बिंदुसार आए जो चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे और थर्ड किंग थे अशोक जो कि बिंदुसार के सन थे. इसके बाद अलेक्जेंडर के अटैक के बाद जो समय था मगध पर नंदा रूलर्स का शासन था. नंदा रूलर की जो अनपॉपुलरिटी थी उसका एडवांटेज लेते हुए यंग मैन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें ओवरथ्रो करने में सक्सेस हुए, मतलब उसको बाहर निकालने में वो सक्सेस हो गए. एक बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी हेल्प से उन्होंने मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, जो कि इंडिया में सबसे पहला एम्पायर था. जो मौर्य एम्पायर था वो इंडिया में सबसे पहला एम्पायर था. चाणक्य ने एक फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है. चंद्रगुप्त मौर्य एक एम्पायर को बिल्डअप करने के लिए आगे बढ़े जिसमें मॉडर्न बिहार, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, बंगाल एंड उड़ीसा के पार्ट भी इंक्लूड थे. अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद चंद्रगुप्त ने ग्रीक रूलर्स सेल्यूकस निकेटर से मॉडर्न अफगानिस्तान को कवर करने वाली टेरिटरीज को जीत लिया था. सेल्यूकस ने मैग्नेसिस को पाटलिपुत्र भेजा. उन्होंने इंडिका नामक बुक में अपने एक्सपीरियंस को लिखा है. जो मैग्नेसिस थे उन्होंने इंडिका नामक बुक में अपने एक्सपीरियंस को लिखा. कहा जाता है कि अपने लाइफ के एंड में वह जैन मॉन्क बनने के बाद साउथ इंडिया में रिटायर्ड हो गए थे.
नाउ वी डिस्कस अबाउट बिंदुसारा. बिंदुसारा का जो समय स्टार्ट होता है 297 से स्टार्ट होता है और 273 BCE तक माना जाता है. चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय बिंदुसारा जिन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया. उड़ीसा एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट को छोड़कर एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौर्य एम्पायर का ही पार्ट बन गए थे. इनके टू सन्स थे अशोक और सुमन. उज्जैन और तक्षशिला जो जगह थी उसका इनको वायसराय बना दिया गया था. नाउ वी डिस्कस अबाउट अशोक. अशोक का जो टाइम माना जाता है 273 से लेकर 232 BCE तक का माना जाता है. बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय अशोक जो भारत के ग्रेटेस्ट रूलर में से एक थे. जो अशोक थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे. वह पहले ऐसे रूलर थे जिसने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की थी. अशोक के मोस्टली इंस्क्रिप्शन जो हैं वो प्राकृत में थे और जो कॉमन पीपल द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी, जो प्राकृत थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, वो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे. उन्होंने ग्रीक एडिक्ट भी इशू किए जो कि अफगानिस्तान और इंडस रीजन में फाउंड हुए थे. कलिंगावार जो था, कलिंगा जो था उड़ीसा का इंडिपेंडेंट किंगडम था जो ट्रेड के लिए फ्लोरिस्ट हुआ था. अशोक चाहते थे कि वह अपने एम्पायर के यूनिफिकेशन को कंप्लीट करें. उन्होंने कलिंगा पर अटैक किया जो लॉन्ग ड्रोन कंपेन था जिसमें कुछ टेरिबल बैटल लड़े गए थे. इस बैटल में कई लैक पीपल जो थे वो मर गए थे और कई जो पीपल थे उन्हें इम्प्रिजेंट कर दिया गया था, मतलब उनको जेल में बंद कर दिया गया था. इस वार से अशोक की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए. अशोक ने युद्ध छोड़ने का फैसला कर लिया और जल्दी वह उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई. उसके अलावा वो बुद्धिस्ट बन गए, ठीक है, और इन्होंने श्राइन्स बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई, मठ बनाए और ही डिसाइडेड नेवर टू फाइट अ वार अगेन. उन्होंने निश्चित किया कि अब वो कभी भी कोई भी फाइट या कोई भी वार नहीं लड़ेंगे. उन्होंने मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू पीपल के हार्ट में अपनी जगह बनाई, ठीक है, उनके हार्ट को जीत लिया. इस पॉलिसी को धम्म विजय कहा गया और उन्होंने बौद्धिज्म था उसका प्रचार किया. इसके अलावा उन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, इस पॉलिसी को धम्म विजय कहा गया और उन्हें देव नाम प्रिया कहा जाने लगा, मीन्स द बिलव्ड ऑफ गॉड्स. अशोक धम्मा के बारे में हम पढ़ेंगे. वह एक बुद्धिस्ट थे लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं किया था. द वर्ड धम्मा वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्मा मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी. मीन्स धर्मा का मीन्स होता है धार्मिक कर्तव्य. उनका जो धम्म था वो टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स पर बेस्ड था. धम्मा के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक किंग को अपने लोगों के वेलफेयर को लुक आफ्टर करना होता है. जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो इस तरह से थे. द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हिज धम्मा वर ओबीडियंस टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी. पीपल शुड शो काइंडनेस टू अंडर प्रिविलेज्ड. प्योरिटी ऑफ हर्ट. मास्टर शुड बी काइंड टू देयर सर्वेंट एंड नो ग्रीड फॉर मनी एंड लग्जरीज. नाउ वी डिस्कस अबाउट एम्पायर ऑफ अशोक. अशोक के किंगडम को एम्पायर कहा जाता था क्योंकि इस किंगडम का जो एरिया था वो लार्ज एरिया से कवर था. उनका एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. हर प्रोविंस को रॉयल फैमिली के एक मेंबर के तहत रखा जाता था और तक्षशिला और उज्जैन जैसी अपनी कैपिटल से उस पर रूल किया जाता था. जो तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था. इस रूट से ही इन्वेडर्स जो थे, जो आक्रमणकारी थे, वो इंडिया पहुंचे थे. इस तरह से उज्जैन ने नॉर्थ को साउथ से लिंक किया और यह एक इम्पॉर्टेंट रूट था. ऑफिशियल्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया. प्रोविंसेस को दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस में डिवाइड कर दिया गया.
सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर में काफ़ी सिटीज़ थी, कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी लाइक तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र एंड कौशाम्बी। पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी थी जिसके बारे में मेगस्नीज ने अपने इंडिका में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये सिटी ऐसी थी कि वह ये सिटी थी जैसे रिवर सोन और गंगा के संगम पर सिचुएटेड थी। सिटी जो थी वो चारों ओर से हाई वुडन वॉल से और डीप मोट मीन्स गहरी खाई से प्रोटेक्टेड थी, मतलब कोई भी बाहर का आक्रमणकारी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। हर सिटी जो थी वो कमेटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी। ये कमेटी इंडस्ट्रीज, सैनिटेशन, वेट मेज़र, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के डिपार्टमेंट को देखती थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एम्पायर, कि आर्मी किस तरीके से काम करती थी। यहाँ पर मौर्यन आर्मी जो थी सेनापति के अंडर में वर्क करती थी, जो डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट देते थे। आर्मी को कुछ ब्रांचेज में डिवाइड किया गया था, जैसे क्लेवरी मीन्स घुड़सवार, इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, चैरियट मीन्स रथ, एलिफेंट ट्रांसपोर्ट एंड नेवी, इसमें डिवाइड किया गया था आर्मी को। सोल्जर्स को सॉर्ड, बो एंड एरो, स्पीयर्स, ये सभी दिए गए थे। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक रूलर अपने लोगों के साथ जस्टिस तभी कर सकता है जब वह अपने एम्पायर के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में उसे पूरी बातें पता हों, कि उसके एम्पायर में क्या चल रहा है वो उन सब बातों से जानकारी लेता हो, ये सब उसको पता होना चाहिए किंग को, तभी वो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय कर सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोसाइटी। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैड डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस कस्टम। जो वर्ण सिस्टम था वो कंटिन्यू था, लेकिन वह फ्लेक्सिबल हो गया था। डिफरेंट रीजन में रहने वाले पीपल ने डेवलपमेंट के डिफरेंट लेवल को अटेन किया। एग्रीकल्चर ने ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन की हेल्प की, वे विलेज एंड टाउन्स में रहते थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एबल टू रीच लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल। यह मौर्य एम्पायर के मोस्ट पार्ट में फाउंड हुए। इसके अलावा जो अशोक इंस्क्रिप्शन है और पंचमार्क कॉइन्स की डिस्कवरी से ये क्लियर हो जाता है। मौर्य किंग ने वेलफेयर के लिए शासन किया, उन्होंने रोड, वेल्स, कैनाल्स, रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके अलावा फ्रूट्स देने वाले जो ट्रीज थे रोड के दोनों साइड उन्होंने लगवाए। नाउ वी डिस्कस अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। स्तूप वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मौर्यन आर्किटेक्चर्स। ये ब्रिक से बने एंशियंट फ्यूनल माउंट से ड्राइव्ड हुए हैं, जिनके रिमेन को मॉन्क्स मीन्स भिक्षु और इम्पॉर्टेंट पर्सन के द्वारा प्रिजर्व रखा गया। द मोस्ट फेमस स्तूपा इज एट सांची नियर भोपाल। जो मोस्ट फेमस स्तूप माना जाता है वो सांची में माना जाता है, जो कि भोपाल के पास है। इट वॉज स्टार्टेड बाई अशोक एंड वॉज लेटर एनलार्ज्ड। इसके फोर साइड से ब्यूटीफुल कर्व्ड गेटवे हैं। विहार इस पीरियड में बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के क्वार्टर्स हैं। बिहार में गया के पास बाराबर एंड नागार्जुन हिल्स हैं। देवर ब्यूटीफुली कर्व्ड एंड देयर वॉल्स स्टिल शाइन लाइक मिरर। इसके अलावा मोस्ट फेमस सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है, जिसमें फोर लाइंस बैक टू बैक दिए गए हैं और जो फोर ऑल फोर डायरेक्शन का सामना कर रहे हैं। ये इसे इंडिया में नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। हर एम्बलम का नीचे का जो व्हील है हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में लिया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोक डाइड इन 232 BCE। उनकी डेथ के 50 ईयर्स के अंदर ही मौर्य एम्पायर का एंड हो गया था। अशोक वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर, मींस अशोक को वीक रूलर की सीरीज द्वारा सक्सीड बनाया गया, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होने लगा।
स्टेट फाइनेंशियली वीक हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कलेक्ट करने में फेल हो गया। नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन अटैक भी हुए और इससे एम्पायर और वीक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से द मौर्यन डायनेस्टी केम टू द एंड। थैंक यू।